की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण होना था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 एकड़ का प्लॉट दिया। पिछले 4 वर्षों में राम मंदिर का भव्य निर्माण तो हो गया, लेकिन मस्जिद के लिए दी गई इस जमीन पर अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई है। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि उनके पास यहाँ कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए पैसा ही नहीं। ये वही मुस्लिम पक्षकार हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए राम मंदिर को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन अब देश में इस मस्जिद के लिए चंदा देने के लिए कोई तैयार नहीं। इसके बाद हम पाकिस्तान पर हुई एक और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपको बताएंगे। ये नई सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की। ईरान ने पाकिस्तान में मौजूद कुछ आतंकवादी कैंप्स पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया है। घर पर ही राम मंदिर का विशेष प्रसाद भेजने का ऑर्डर बुक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्रसाद उसी भोग से निकालकर लोगों को भेजा जाएगा जो भोग 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में लगाया जाएगा। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर ये दिखाऊंगा कि कैसे राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर आजकल लोगों को ठगा जा रहा है। और आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये बड़ी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, राम मंदिर प्रसाद। अमेज़न पर राम मंदिर प्रसाद नाम से कुछ प्रोडक्ट्स को इस तरह से लिस्ट किया गया है, जिन पर यह लिखा है कि 299 रुपए में आप राम मंदिर का 250 ग्राम प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं और यहां इसके नीचे प्रसाद की डिलीवरी की जो तारीख लिखी हुई है वो है 22 जनवरी। अब आप यहां देख लीजिए, राम मंदिर प्रसाद, राम के नाम पर कैसे साइबर ठगी हो रही है। देखिए, श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद 250 ग्राम देसी काऊ मिल्क पेड़ा, वो बाकी जो ये कह रहे हैं, और उसके बाद यहां पर ऑर्डर बुक किया जा रहा है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स के सामने यह भी लिखा है कि आप राम मंदिर के लड्डू का प्रसाद घर बैठे मंगा सकते हैं और इसमें प्रसाद की फ्री डिलीवरी का भी दावा किया गया है। जबकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह बताया है कि 22 जनवरी को प्रसाद वितरण संभव ही नहीं है, क्योंकि उस दिन रामलला को जो भोग लगाया जाएगा उसके वितरण के लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू ही नहीं की गई है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, रघुपति लड्डू प्रसादम, और लोग यहां पर भी इसे बुक कर रहे हैं और यह सब आपको ऑनलाइन ठगने की अलग अलग योजनाएं हैं। अयोध्या प्रसाद 1 kg, अयोध्या लड्डू आपने देख लिया, ये श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद, देखते जाइए आप इस तमाम जगहों पर। ई कॉमर्स कंपनियों के अलावा कुछ वेबसाइट्स की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि वो राम मंदिर के पहले दिन का विशेष प्रसाद लोगों के घर पर मुफ्त में डिलीवर कर रहे हैं, और इनमें से एक वेबसाइट का नाम है खादी ऑर्गेनिक, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखते जाइए और इनको नोट कर लीजिए आप, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वेबसाइट का कोई मैसेज आता है या ऐसा कोई लिंक आपके पास आता है तो आप समझ लीजिए कि ये सारे फ्रॉड है। अब देखिए, खादी ऑर्गेनिक, इस नाम को आप नोट कर लीजिए, खादी ऑर्गेनिक नाम की वेबसाइट और इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह दावा किया गया है कि वो राम मंदिर के पहले दिन के फ्री प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, और जो लोग इस प्रसाद को अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं वो इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑर्डर दे सकते हैं। देख लीजिए आप, ये फ्री प्रसाद है और वेंडर का नाम आप यहां देख लीजिए, और ये कहते हैं राम मंदिर फर्स्ट डे प्रसाद खादी ऑर्गेनिक ऑफरिंग, आप देखिए। और फिर ऊपर देखिए, बड़ी ईमानदार बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं वी आर नॉट डिलीवरिंग मोर देन 1 piece, प्लीज गेट अ स्पेशल राम मंदिर प्रसाद एंड ब्रिंग द ब्लेसिंग्स राइट इनटू योर होम, इंडल्ज इन द सेम सैंक्टिटी ऑफ प्योर इंग्रेडिएंट्स केयरफुली प्रिपेयर्ड टू क्रिएट, आगे जो भी है देख लीजिए आप। अब देखिए, यहां लिखा है अटेंशन टू एवरीवन, वी आर गोइंग टू अनाउंस दैट वी आर नॉट टेकिंग ऑर्डर्स ऑफ प्रसाद ड्यू टू ओवरवेलमिंग डिमांड्स आफ्टर टुमारो, प्लीज अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट अस, क्योंकि अब तक इन्होंने हजारों लोगों का पैसा मार लिया होगा। अब राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों ने इसे एक बहुत बड़ा स्कैम बताया है और कहा है कि यह प्रसाद लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं है
और लोगों से अभी इसके नाम पर यह सरासर झूठ बोला जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ साइबर अपराधियों ने मंदिर ट्रस्ट के नाम से इस तरह के फेक अकाउंट्स बना लिए हैं, जिन पर वो हर दिन एक क्यूआर कोड पोस्ट करते हैं और लोगों से राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे हैं, जबकि ये क्यूआर कोड यू आर लकी आपको मिलता है वीआईपी एक्सेस ऑन 22 जनवरी राम मंदिर अयोध्या इनॉग्रेशन। इस तरह का अगर आपके पास भी कोई मैसेज आया है तो आप समझ लीजिए वो फेक है, आपको उसका शिकार नहीं होना है। और ऐसे आएगा वो राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान टू गेट वीआईपी एक्सेस, ये देख लीजिए आप। लेकिन व्हाट्सएप पर भेजी जा रही इस फाइल का सच ये है जो वो कह रहे हैं ना आपको अभी कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल, ये जो उन्होंने एक लिंक दिया है इसको वो कहते हैं कि आप अपने मोबाइल पर इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने इसे इंस्टॉल कर लिया, अगर इस फाइल पर आपने क्लिक कर दिया, तो इस फाइल का सच यह है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे वायरस और एप्स आपके फोन में अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन का रिमोट एक्सेस दूर बैठे साइबर अपराधियों को मिल जाता है और आपके फोन पर आने वाले ओटीपी से वो आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। और ये फ्रॉड इस समय पूरे देश में हो रहा है, इसलिए इन साइबर अपराधियों को आप कलयुग का रावण भी कह सकते हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही इस देश में सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। सामने आया जिसमें कई लोगों ने कंप्लेन की कि अयोध्या में 22 हैं, उस लालच में ना पड़े। मुझे लगता है कि ये अलग अलग तरीके से लोगों को उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बात जैसी लग रही है, खासकर तब जब ये प्रसाद की बात करें कि 22 तारीख को डिलीवरी हो जाएगा। कोई 22 तारीख को तो कोई घुस नहीं पाएगा वहां पर, डिलीवरी कैसे हो जाएगा? कोई भी बिना ट्रस्ट की अनुमति के 22 तारीख को वहां पर नहीं जा सकता। और कोई भी प्रसाद जब तक ट्रस्ट नहीं देगा किसी के पास नहीं आ सकता। और 22 तारीख को तो डायरेक्ट डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं टोटली फर्जी है, हो ही नहीं सकता। हम सबको समझना होगा कि आज साइबर क्रिमिनल जो टॉपिकल इवेंट हो रहा होता है उसको अपना थीम बनाते हुए साइबर क्राइम के नए नए अवतार, नए नए प्रकार के जो वेरिएंट है वो प्रस्तुत करता है। तो हमें सतर्क, सावधान और जागरूक रहना पड़ेगा। अगर आपने सरकार का कोई भी सेवा लेनी है तो सरकार से लेनी है, किसी और व्यक्ति से नहीं लेनी है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि मैं आपको स्पेशल सेवाएं दिलाऊंगा, दर्शन दिलाऊंगा, आपको स्पेशल पूजन कराऊंगा अयोध्या में या कहीं और पे, वो उसकी बात बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वही आपको सही जानकारी देंगे। तो कलयुग में इन रावण रूपी साइबर अपराधियों का वध तभी हो सकता है जब आप जागरूक होंगे और आप इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर आप घर बैठे प्रसाद पाने की इच्छा छोड़ दें, राम मंदिर के लिए चंदा देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें और इस बात को स्वीकार कर लें कि राम मंदिर के कार्यक्रम में वीआईपी एंट्री के लिए कोई लॉटरी सिस्टम नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की कोई लॉटरी नहीं है और ना ही आपका ऐसा भाग्य खुला है कि आपको वीआईपी बनाकर वहां इस तरीके से ले जाया जाए, अगर आप इस पर विश्वास कर लें तो आप कलयुग के इन रावण रूपी साइबर अपराधियों से बच भी पाएंगे और इनका वध भी कर पाएंगे। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि वो राम मंदिर के लिए चंदा कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। और इस वेबसाइट पर नीचे एक विकल्प दिया गया है जिस पर लिखा है डोनेशन ऑप्शंस। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बिना धोखाधड़ी के शिकार हुए राम मंदिर के लिए चंदा दे पाएंगे। आप चाहें तो इस वेबसाइट का वेब एड्रेस अभी नोट कर सकते हैं जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर या आप जिस भी डिवाइस पर हमें देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर यह ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप वाकई इस अनुष्ठान में कुछ दान देना चाहते हैं, अपने परिश्रम से कमाया हुआ कुछ पैसा अगर आप वहां भेजना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहां जाकर दान दे सकते हैं। और आपकी तरह करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के लिए दान दिया है,
अपने खून पसीने की कमाई में से पैसा निकालकर राम मंदिर के लिए भेजा है और अब तक देश भर से 5,500 करोड़ से ज्यादा पैसा इस देश के लोग राम मंदिर के लिए डोनेट कर चुके हैं।